हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अमीशी होनावर और आज बैंगन भरते की रेसिपी बना रही हूँ। तो एक कढ़ाई लिया, उसमें सरसों का तेल डाला जैसे कि आप देख रहे हैं, और प्याज को बारीक काट दिया है, बिल्कुल छोटे प्याज हाथों से काट दिया है। आप मिक्सी में भी घुमा सकते हो और अच्छे से स्लो फ्लेम पे घुमाना है, उसको स्टर करना है अच्छे से। प्याज को बहुत अच्छे से भूनने देना है, ये उसका सीक्रेट है, उसे बहुत स्वाद आता है बैंगन भरते में। जैसे कि आप देख रहे हैं सरसों के तेल में प्याज भून रहा है। अभी इसमें ये अदरक लिया है चम्मच में और ये इसमें मैं मिक्स कर रही हूँ। इसको भी हम अच्छे से भून देंगे बिल्कुल स्लो फायर पे। इस रेसिपी में कोई जल्दी नहीं करनी है, अच्छे से भूनने देना है। जैसे कि आप देख रहे हैं टमाटर को भी हमने स्मॉल पीसेस में यानी कि बारीक काट लिया है। अब ये प्याज भून गए हैं इस और उसमें अदरक डाला था, सरसों के तेल में सिर्फ थोड़ा सा जीरा डाला था और थोड़ी सी हींग। अब ये टमाटर को भी अच्छे से भूनेंगे, यानी कि अब तक ऐड हो गया प्याज और टमाटर और अदरक पेस्ट। जितना अच्छे से इसको भूनेंगे उतना ही हमारा बैंगन भरता बहुत अच्छा बनेगा। हम लोग अपनी रसोई में थोड़ा कम ऑयल डालते हैं, लेकिन बैंगन भरता में हल्का सा डाला था क्योंकि मुझे पता था कि ये प्याज और टमाटर अच्छे से भूनने चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि बिल्कुल तेल इसमें बचा नहीं है। रोस्ट करते हैं इसको अच्छे से। बैंगन के ऊपर तेल लगाना है यानी कि कुकिंग ऑयल लगाना है और उसको बहुत अच्छे से गैस पे भून देना है, रोस्ट कर देना है। बिल्कुल कच्चा नहीं रहना चाहिए, इसका खास ध्यान रखना है। देखिए ऐसे दिखेगा। या तो फिर आप बैंगन को रोस्ट करिए, या तो मैं आगे बता रही हूँ ऐसे बैंगन को काट सकते हैं और फिर रोस्ट कर सकते हैं। बैंगन को दो पीस में काट दिया है और इसका जो स्किन है उसको हम निकाल लेंगे और फिर उसको बारीक काट लेंगे। या तो आप गैस पे सेक सकते हैं थोड़ा सा ऊपर तेल लगा के, फिर उसकी स्किन को निकालना पड़ेगा और फिर इसमें प्याज टमाटर के अदरक वाले मिक्सचर में उसको बाद में डालना है। तो आइए हम इसको ठीक से काटते हैं। बैंगन के छिलके पे तेल लगा के उसको गैस पे रोस्ट करना है यानी कि भून देना है। या तो बैंगन को ऐसे छोटा काट के बिल्कुल, और फिर ये प्याज टमाटर और अदरक वाले तड़के में मिक्स करना है। इसमें मैंने थोड़ी हरी मिर्च की पेस्ट, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला डाला है। अब इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा कुक होने देते हैं और भूनने के बाद ऊपर से धनिया पत्ता डाल सकते हैं। इसको थोड़ा भून लेंगे और देखिए थोड़ी देर में हमारा बैंगन भरता बिल्कुल तैयार हो जाएगा। बहुत झटपट कुकिंग है, इजी है। ऐसे बैंगन पे ढक्कन ढक के उसको कुक करना है, फिर एक बार उसको हम स्टर कर देंगे अच्छे से ताकि सब मसाला अच्छे से भून जाए। हमारा बैंगन भरता ऑलमोस्ट रेडी है। आपको दिख रहा होगा इसका कलर चेंज हो गया है और बहुत अच्छी अरोमा स्मेल आ रही है। बैंगन भरते अभी बन गया है और उसमें हमने धनिया डाल दिया है। धनिया को अच्छे से काट के गार्निश कर दिया है। हमारा बैंगन भरता बिल्कुल रेडी है। स्वादिष्ट बैंगन भरता खा के बना के देखिए। धन्यवाद। अब बैंगन भरते के साथ क्या खाएंगे? पराठा खा सकते, रोटी खा सकते, फुलके खा सकते। तो आज मैं आपको फुलका बनाना दिखा रही हूँ। आटा गूंद के रेडी रखा है, फिर उसके ऐसे छोटे छोटे पोर्शन बना दिए और इसके बाद हम इसको अच्छे से बेलेंगे। बेलने के टाइम बहुत अच्छे से गोल होना चाहिए और इवन होना चाहिए, मोटा पतला ऐसा नहीं होना चाहिए, और फिर हम उसको सेकेंगे। अभी मैं रोटी को बेलना दिखा रही हूँ कि कैसे हम बेलते हैं। 10 सेकंड का काम है, 10 से 12 सेकंड का काम है, रोटी फटाफट बेल लेते हैं। इसको बहुत ही गोल बनाना है, इवन बनाना है
और ऐसा नहीं कि एक तरह से मोटा एक तरफ से पतला, सब जगह एकदम इवन होना चाहिए, तभी वो रोटी सिक के पूरा फुलका बनता है। ये रोटी बेलना एक कला है, और जैसे कि मैं गुजराती हूँ, ये हम लोग को बचपन से सिखाया जाता है, और एक कला है जो आप अगर ध्यान से करो तो कभी लाइफ में भूल नहीं पाओगे। सो ये मेरी रोटी बेल के तैयार है। ये ध्यान रखना है कि साइड्स को थोड़ा पतला कर देना है, मतलब ज़्यादा पतला नहीं, रोटी के समान पर। ये देखिए बिल्कुल राउंड है रोटी, और अभी इसको सेक रही हूँ। गैस धीरी आंच पे है, यानी कि ये स्लो है। अब जैसे ही इस तरफ एक तरफ सिक्के हो गया, कि दूसरी तरफ हम आंच को फास्ट कर देंगे। ये मैं रिपीटेडली क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। रोटी को सही सेकना, तभी वो फूल के ऐसे फुलके बनती है। और ये हम लोग, इसमें स्पेशलिटी है हमारी, आई एम श्योर सब लोग करते होंगे, लेकिन ये गुजराती लोग हमको बचपन से ये सिखाया जाता है, और हमारे घर में फुलके ही चलते हैं। तो अब ये गैस पे हम सेक रहे हैं। आपको मैंने काफ़ी फुलके बताए, तो बस यही प्रोसेस करते रहेंगे जब तक कि हम सारा आटा जो गुना हुआ है उसकी रोटी नहीं बना लेते हैं। अब ये फुलके को वापस इधर डाल के घी लगा देंगे। ये देखिए ऐसे हर तरफ घी अच्छे से लगा देना है। ये दूसरी साइड भी ये रोटी सेक गई है। अब हम इसको गैस पे डाल देंगे। जैसे है इसको गैस पे डाल दिया, गैस फास्ट। ये देखिए ऐसे फुलके फूल जाते हैं। बिल्कुल फ्यू सेकंड्स के लिए ऐसे रखेंगे, उसको उल्टा कर देंगे। उसकी जो साइड है वो सब बराबर सिकनी चाहिए। ये हो गया अपना फुलका रेडी। ये पहले वाला फुलका इसको ऐसे रख देंगे और दबा देंगे और घी लगा देंगे।